चोरी का बकरा और ईद। आज ईद का चांद नजर आ गया था और लोग बहुत खुश थे कि वो कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे, लेकिन आपको तो पता है मीठा आदत से मजबूर किसी और ही सोच में बैठा था। बकरा, मेरा बकरा, हाय, अब तो मैं पूरे मोहल्ले को जला जला के मार दे बूंगी और इस बकरे की कलेजी भूड़ भूड़ के खा जा बूंगी। मीठा ये देखकर बहुत हैरान होता है कि नसीबो नींद में क्या कह रही है। नसीबो बेगम उठ, क्या तो नींद में बकरा बकरा कर रही है, उठ। मिठे, जो तू इतना बड़ा बकरा लेके आया था वो कहाँ चला गया? बता मिठे, मेरा बकरा कहाँ चला गया? कौन सा बकरा? तू पागल तो नहीं हो गई? मैं तो कोई बकरा नहीं लाया था। ना मिठे, तू बकरा लेके आया था, तूने बाहर बांधा था, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बकरा दिखाती हूँ। फिर जब वो बाहर आते हैं, कहाँ गया बकरा? मिठे कहाँ चला गया? यही तो बांधा था तूने। नसीबा, मुझे लग रहा है तूने कोई ख्वाब देखा है। चल मेरी जान, बकरे के ख्वाब देखना छोड़ दे और चल के आराम कर। इतना बकरा अपने दिमाग पर सवार न कर। मिठे ऐसा न बोलियो मेरे साथ, कुर्बानी में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। मिठे मुझे बकरा चाहिए, वरना पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट जाएगी। जरा हौसला कर, इतना पागल मत बन। आई बात समझ, बकरा खरीदना कोई अबू जी का काम नहीं है। आसमान पर चढ़े हुए हैं इनके रेट, 70,000 से 1 रुपया भी कम में बकरा नहीं मिल रहा। मिठे मैं कुछ नहीं जानती, हमारे घर में कुर्बानी होगी तो हो बेगी। बकरा खरीद चाहे तुझे कुर्दे फेफड़े क्यों ना बेचने पड़े अपने। इस घर में कुर्बानी होवेगी, हर सूरत होवेगी। ओ बेगम, ये बंदूक तो अंदर कर, क्यों मुझे डरा रही है? मैं कुछ करता हूँ बकरे का। फिर अगले ही दिन मीठा अपनी बेगम की फरमाइश पर बगैर पैसे लिए बकरा लेने निकलता है तो सामने उसे एक बकरे वाला नजर आता है। भाई साहब, ये बकरा कितने का दे रहे हो? 80,000 रुपए का एक बकरा है। दोनों बकरे लोगे तो तुम्हें 1.5 लाख रुपए के दे दूंगा। सौदा करना है तो 1.5 लाख रुपए दे दो ना यार। नहीं, तू ये बकरा बेच रहा है या आम का मुरब्बा? 1.5 लाख रुपए, थोड़ा हाथ होला रख, मुनासिब कीमत कर ले, तेरे से दोनों बकरे खरीद लेता हूँ। चल तू ही बता, कितने के लेगा दोनों बकरे? ना तेरी ना मेरी, इन दोनों बकरों के 5,000 रुपए ले ले, इससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी। 5,000? तू एक काम क्यों नहीं करता, तू 5,000 रुपए दे जा, ईद वाले दिन आकर इसकी ओजड़ी ले जाएगा यार। भाई साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। मेरा क्या, मैं तो चला जाऊंगा, तुम्हारे ये बकरे बिकेंगे ही नहीं, मुफ्त का चारा खिलाओगे इन्हें। अभी डील कर लो मेरे साथ, बाद में मेरे पास घर ना आना कि मीठे भाई, मीठे भाई, मुझसे बकरे खरीद लो। ओ जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे ग्राहक, निकल जा यहाँ से। चल तेरे लिए 10,000 रुपए, इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाऊंगा। का है मेरा डंडा, तुझे तो मैं ऊपर भेजता हूँ ना यार। मीठा ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है तो कुछ आगे आकर उसे उसका दोस्त बिट्टू नजर आता है। मीठे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बिट्टू, मैं ऐसे ही बकरों की खरीदारी करने के लिए निकला था यार, मेरे मतलब का तो एक बकरा भी नहीं मिल रहा। हर जगह सस्ते सस्ते बकरे हैं, कोई भी बकरा 3-4 लाख रुपए की रेंज में है ही नहीं। अरे वाह मीठे भाई, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। मेरे पास 4 लाख रुपए वाला बकरा है, मैंने वो बकरा बहुत नाजोशे पाला है। अरे ये क्या, मैं तो इसके सामने लंबी लंबी फेंक रहा था, ये तो इसने मेरे ऊपर ही 4 लाख रुपए वाले बकरे का बम फेंक दिया। क्या सोच रहे हो मीठे भाई, आओ मैं आपको बकरा दिखाता हूँ। फिर जब वो आते हैं तो बकरा बहुत खूबसूरत होता है, उसे देखकर मीठे के मुंह में पानी आ जाता है। बिट्टू, मैं चाहूँ तो ऐसे 10 बकरे खरीद सकता हूँ, लेकिन बिट्टू मेरे पीर साहब ने मुझे कहा है कि तुम जो भी बकरा खरीदना पहले उसके थोड़े से पैसे देना और बाकी पैसे कुर्बानी के बाद देना। मीठे भाई, आप मुझे कितने पैसे एडवांस दोगे? बिट्टू, मैं तुम्हें 50,000 रुपए एडवांस दूंगा और बाकी के 3.5 लाख रुपए कुर्बानी के बाद दूंगा। ठीक है मीठे भाई, आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, मुझे आप पर एतबार है, बाकी पैसे आप कुर्बानी वाले दिन दे देना। और हाँ मीठे भाई, मेरा ये मकान भी फॉर शेड है 50 लाख रुपए का, आप इसे भी खरीद लो। पहले तो मीठा सोच रहा था कि वो 50,000 कहाँ से लाए, लेकिन घर का सुनते ही उसके जहन में एक आइडिया आता है। बिट्टू, हमारी डील पक्की हुई, समझो तुम्हारा मकान भी बिक गया और बकरा भी। फिर मीठा गाँव
के वडेरे के पास जाता है और उसे उस 50 लाख वाले मकान की कीमत 20 लाख रुपए बताता है। क्या 20 लाख रुपए? इतना सस्ता? मीठे तुम मुझे वो घर खरीद दो। सेठ साहब जरा ठंडी करके खाएं। मैं ऐसी नायाब आफरे किसी को कराता हूँ। हाँ मीठे, मैं इस चीज में तुम्हारा बहुत शुक्र गुजार हूँ जो तुमने मुझे ये ऑफर करवाई। तुम मुझे अभी उसके पास ले चलो। सेठ साहब इतने स्याणे ना बनो, उसके पास ले जाऊं ताकि आप डायरेक्ट हो जाओ। मीठे तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे थ्रू ही डील करूंगा। बस ये तसल्ली हो जाए कि वो मकान बेच भी रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर वो बिट्टू के पास आते हैं। बिट्टू इन्हें बताओ कि तुम ये मकान बेच रहे हो। जी जी सेठ साहब, मैं ये मकान बेच रहा हूँ। कितने का बेच रहे हो बिट्टू? हेलो सेठ साहब, आप आम खाओ पेड़ ना गिनो। मैंने कहा है ना, मैं आपकी डील करवा दूंगा, मुझ पर एतबार नहीं है क्या आपको? हाँ हाँ मीठे, मुझे तुम पर पूरा एतबार है, तुम चलो मेरे साथ। फिर वो वापस आकर मीठे को टोकन के 50,000 रुपए दे देता है और मीठा वो टोकन के पैसे बिट्टू को दे देता है। बिट्टू, वादे के मुताबिक मैं बकरे के 50,000 रुपए ले आया हूँ, बाकी 3.5 लाख रुपए मैं कुर्बानी वाले दिन तुम्हें दे दूंगा। पर मीठे भाई, मकान का क्या बना? बिट्टू उस वडेरे के काम देखो, मुझे कह रहा था कि 20 लाख रुपए में मकान दिलवा दो। मैंने कहा तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, 50 लाख वाला मकान तुझे 20 लाख रुपए में दिलवा दूं? क्या कि अपना मुंह धो कर आ। बहुत अच्छा किया मीठे भाई आपने, मैं ऐसे लोगों को कभी अपना मकान नहीं बेचूंगा। हाँ बिट्टू, ऐसे ही मेरा दिमाग खराब कर रहा था। ठीक है मीठे भाई, आप ये बकरा ले जाओ और ईद वाले दिन मुझे बाकी के पैसे दे देना। फिर मीठा वो बकरा लेकर चला जाता है तो नसीबो बहुत खुश होती है और अगले दिन पूरे गांव की औरतों को बुलाकर उन्हें खूब जलाती है और वो सब भी उसका बकरा देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि वो इतना महंगा बकरा खरीद आया है। फिर ईद से ठीक एक दिन पहले वडेरा बिट्टू के पास पहुंच जाता है और वहां मीठे का सारा भांडा फूट जाता है। क्या 50 लाख रुपए? मीठा तो मुझे बता रहा था कि ये मकान 20 लाख रुपए का है और वो मुझसे 50,000 रुपए टोकन भी ले गया है। शेर साहब, उसने तो मुझे भी लूट लिया है, वो वही 50,000 रुपए से मेरा बकरा ले गया है। बिट्टू अब एक ही हल है हमारे पास, हम अपना नुकसान आधा आधा कर लें और उससे सबके सामने जलील करके उससे बकरा वापस ले आएं। इतनी ही देर में सुबह हो जाती है, उससे पहले के मीठा बकरा जिबा करे वो उसके पास जाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ मीठा कसाई को बुला चुका था और सब लोग भी जमा थे। बकरा तो बहुत बड़ा है भाई, 10,000 रुपए लूंगा इस बकरे के। 10,000 रुपए नहीं दूंगा, गोश्त ले जाएं बकरे का, बहुत सारा गोश्त है, कहाँ कहाँ बांटेंगे? मीठे मैं गोश्त नहीं बांटूंगी, फ्रिज में तिल चुना के बाहर देखूंगी। भाई दो राणे लेके जाऊंगा, मंजूर है तो बता। हाँ हाँ ठीक है, तुम बकरा जीबा करो। हाँ ठीक है, चल छोटे बकरे को मैदान में ले किया, इसको गिरा दे। वो उसे जीबा करने की तैयारियां कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू और वडेरा वहां आ जाते हैं। रुक जाओ कसाई भाई, ये बकरा हलाल नहीं हो सकता। मीठे तू तो बहुत फराडी है, तू हमें पागल बनाकर लूट आया है, हम ये बकरा वापस ले जा रहे हैं। सेठ साहब ऐसा मत करे, मेरी नाक कट जाएगी, मुझे मेरी बीवी ताने दे दे कर बकरा बना देगी। तू अब बकरा बन चाहे खोता, हम ये बकरा ले जा रहे हैं। मीठे बकरा रोक ले, वरना मैं तुझे मुर्गा बना देगी और तेरे से सोड़े का अंडा निकले बाबूगी। फिर वो बकरा ले जाते हैं और सब लोग उन पर खूब हंसते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।